पौड़ी गढ़वाल जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा समन्वयक और विधायक विक्रम सिंह नेगी की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में लोकसभा के संभावित दावेदार मनीष खंडूरी और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला मध्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर मतदाताओं को कांग्रेस की रीति नीति से परिचित करवाने के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। इसी क्रम में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने बताया कि आयोजित बैठक में कांग्रेस को बूथ स्तर और मंडल स्तर पर कैसे ज्यादा वोट मिले इस बात पर चर्चा की गई। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, पौड़ी लोकसभा में प्रत्येक जो हमारे संगठन के जनपद हैं उनमें बैठक की जा रही है और कल हमने देवप्रयाग जनपद में बैठक की, आज पौड़ी जनपद में की, कल हम कोटद्वार में करेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेटर का काम है, संगठन में यदि कहीं गैप है तो उसको पूरा करना है, समन्वय का काम करना है और जो विशेष जोर है वो ये है कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो बूथ के एजेंट हैं अगर कहीं नहीं बने तो उनको बनाने का काम करना है। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं विक्रम नेगी जी, जो विधायक हैं प्रताप नगर टीवी से, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे एसएससी से, तो उनका जो कार्यक्रम था ये कांग्रेस पार्टी के तहत यहाँ पे आए थे। ये पूरे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा का दौरा कर रहे हैं और उसमें क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, संगठन को कैसे सशक्त किया जाए, संगठन से क्या बोला जाए, ये पूरा जरा विचार विमर्श यहाँ पर है।